कोरोना संकट विचाले पंजाब विच अज तो बस सफर महंगा हो गया है। आम बसा का किराया 6 पैसे प्रति किलोमीटर बताया गया है। HVAC बसा का किराया 7 पैसे प्रति किलोमीटर बताया गया है। वॉल्वो बसा के किराए 10 पैसे प्रति किलोमीटर का वाधा किया गया है। बसा का घटो घट किराया 10 रुपए तय किया गया है। बेशक एक पासे कोरोना महामारी के चलते आम शख्स परेशान है, दूजे पासे खास तौर पर पंजाब की जनता आए दिन जो पंजाब सरकार वालों अहम फैसले लाए जा रहे हैं, जिस तरह के नाल कई तरह दियां इत्थे चीज़ा सामने आ रही ने, इस विचकार जो हाल ही विच हुण पंजाब दे विच अज तो बस सफर महंगा हो चुका है। आम बसा का किराया 6 पैसे प्रति किलोमीटर बताया गया। इस तो बाद जरूर लोगों की जेब से भारी असर इसका पेगा, वाधू असर इसका पेगा। गगनदीप मेरे सहयोगी हो जानकारी के बन गए ने। तो गगन, एक पासे लोग कोरोना महामारी तो परेशान ने, दूजे पासे जिस तरह के नाल पेट्रोल डीजल दी कीमतां वध रही ने, हुण बस सफर भी पंजाब दे विच महंगा हो गया, तो जाहिर तौर पर लोगों की जेब से वाधू असर इसका। जी स्वाति, जाहिरा तौर पर जो गल की है, बस सफर जो महंगा करता गया 6 पैसे प्रति किलोमीटर, जो बस सफर महंगा किया गया और 1 जनवरी 2 पैसे प्रति किलोमीटर महंगा होया, हूँ 6 पैसे किया, क्योंकि डीजल दीमत है और पेट्रोल दीमत काफ़ी स्काई रॉकेट हो रही, उपर जा रही ने, और जिसके चलते सारा आयाम जोड़ा पंजाब सरकार वालों किया गया अपने पन बस पंजाब रोडवेज और PRTC बसा से लागू होएगा। इस ही प्राइवेट बसा से भी यह किराया लागू होएगा, भावें कि पंजाब सरकार ने फुल कपैसिटी बसा चलाने की परमिशन भी दे दी है, पर सवारियां अजे तक बसा में नहीं चढ़ रही। कोरोना का डर जोड़ा है सहम है उन्होंने है, पहला 50% थी हूँ 100% करती, फिर भी सवारियां जड़िया खाली बसा जा रही ने, क्योंकि PRTC का जो आप गल की जाए तो 1 करोड़ रुपया रोजाना की आमदन होंगी सी, घट के महज 5-6 लाख रुपया रोजाना रह गई है, क्योंकि लोग अपनिया गड्डिया तरजीह दे रहे हैं, अपनी कारा से जा रहे हैं, तो करोना वायरस तो बचने वास्ते बहुत ही गैर जरूरी जोड़े काम ने उन्होंने घटाया जा रहा, जरूरी होने पर ही वो बस का सफर करते हैं। और जिम्मे गल की किराया तो वध गया, आम किराया जोड़ा बसा का 122 पैसे जोड़ा कर दिता गया, HVAC का 146 पैसे प्रति किलोमीटर, इंटैगरल कोच का 220 पैसे, सुपर इंटैगरल 244 पैसे, मतलब 2 रुपए 44 पैसे प्रति किलोमीटर किराया इन्हों का करता गया। और लोगों के भारी बोझ पैना लाजमी है, क्योंकि जोड़े सफर करे वो काफ़ी उन्होंने दिक्कतों का सामना करना पेगा, और पेट्रोल डीजल की कीमत ही वह ने, करोना की मार भी है, लोगों काम कर भी नहीं है, छोटे जोड़े कारोबारी ने और प्राइवेट नौकरियां करते हैं उन्होंने नौकरियां भी सैलरी कट लग गया है, और इकोनॉमिकली जो गल की आर्थिक तौर पर काफ़ी मार लोगों से पै रही है, और किराया बढ़ जाने काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पै रहा है, क्योंकि बसा भी बहुते रूटा से नहीं चल रही है, क्योंकि भावें कि यह जिम्मेवारी सरकार की होंगी है कि लोगों को फैसिलिटी देवे, स्टेट ओन जी बसिस है वो हर पास भेजे जाए, पर सरकार ने अभी तक यह फैसला नहीं किया कि हर छोटे रूटा से बस चलाई जाए, क्योंकि उन्होंने एक तर्क हैगा कि बसा च सवारियां नहीं होंदिया, जिस करके ये जरा रूट हैगा ये चलाना काफ़ी औखा हैगा। बिल्कुल, बेशक हुन ट्रांसपोर्ट विभाग लई एक वड्डा घाटा जरूर है जो इस समय हालात बने हुए ने, इस विचकार जो हुन बस सफर महंगा किया गया, तो लोगों ते जरूर महंगाई की मार इसकी पैण वाली है आने वाले दिनों। धन्यवाद तमाम गलबात लई।